भारत की टॉप 10 सबसे लोकप्रिय बाइक, टॉप 10 बाइक इन इंडिया। नंबर 10 होंडा सीबी शाइन। होंडा सीबी शाइन किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन गाड़ी है। 65 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने वाली ये गाड़ी बेहद किफ़ायती है। ये ना सिर्फ कम मेंटेनेंस डिमांड करती है बल्कि परफॉर्मेंस में भी अच्छी है। 125 सीसी का इंजन इसमें पावर भरता है और जब होंडा कंपनी का नाम इंजन से जुड़ा हुआ हो तो उसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर संदेह नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म यूज़ के हिसाब से ये गाड़ी पेट्रोल एफिशिएंट है और इंडिया में काफ़ी पसंद की गई है। नंबर 9 बजाज पल्सर। इंडियन बाइक मार्केट में बजाज पल्सर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बजाज पल्सर अभी भी ग्राहकों की पहली पसंद है। अलग अलग वेरिएंट्स में आने वाली ये गाड़ी जिसके स्पेसिफिकेशन भी बदलते हैं, 35 से 50 के बीच इसका एवरेज बदलता है जो कि इंजन की पावर पर निर्भर करता है। अलॉय व्हील्स, कंफर्टेबल सीटिंग और शानदार पिकअप इसे एक कंप्लीट राइड बनाते हैं। पल्सर लग्जरी भी है और ज़्यादातर लोगों के लिए किफ़ायती भी, इसलिए ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है। बजाज पल्सर की कीमत वैसे तो अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से बदलती है, लेकिन 75 से 1,25,000 के बीच इसके सारे मॉडल उपलब्ध होते हैं। नंबर 8 TVS अपाचे। अपर मिडिल क्लास सेगमेंट में पल्सर को कंपटीशन देने वाली अपाचे है। अपाचे अपनी स्पोर्टी लुक और स्पीड रेसिंग मॉडल के लिए जानी जाती है। इसका पिकअप इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है और इसकी कीमत भी इसके प्रतिद्वंदी बाइक से थोड़ी ज़्यादा है। 80,000 रुपये से शुरू होने वाली इस गाड़ी की कुछ मॉडल्स की कीमत 2,40,000 रुपये तक भी है। हालांकि उन मॉडल्स को खासतौर पर रेसिंग के हिसाब से बनाया गया है। भारतीय सड़कों पर अपाचे एक स्पोर्ट बाइक का लुक देती है और परफॉर्मेंस में बिल्कुल खरी उतरती है। टीवीएस ने इस बाइक में समय के साथ साथ कई सारे बदलाव किए हैं और ये युवाओं के बीच खास लोकप्रिय भी है। नंबर 7 यामाहा FZ। पहले केवल स्पोर्ट बाइक के लिए मशहूर यामाहा कंपनी अब मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए भी बाइक्स बनाती है। पिछले कई सालों से इसने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। यामाहा की FZ उन्हीं में से एक है। शानदार स्पोर्टी फीचर और पावरफुल इंजन इसे रफ्तार देता है। स्पीड के शौकीन लोगों के लिए यामाहा की बाइक्स परफेक्ट बाइक है। 150 सीसी या उससे ज़्यादा का इंजन ही यामाहा की बाइक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यामाहा की सारी बाइक्स को सेफ्टी स्टंट पर बारीकी से टेस्ट किया जाता है। इस बाइक का एवरेज भी भारतीय सड़कों के हिसाब से अच्छा है। आमतौर पर यह 53 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है जो कि इसके हाई पावर इंजन के हिसाब से बहुत अच्छा है। नंबर 6 होंडा हॉर्नेट। मार्च 2018 में लॉन्च की गई होंडा हॉर्नेट मार्केट में अभी सबसे नई बाइक है। ऑटो एक्सपो में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था जहां इसके पावरफुल इंजन और ड्रिफ्टिंग स्किल को बताया गया था। लुक में बेहद स्पोर्टी और माइलेज में 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलने वाली ये बाइक बाइकर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि हॉर्नेट का ये अपडेट वर्जन अभी ही लॉन्च हुआ है इसलिए मार्केट पॉपुलैरिटी और बिक्री की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी होंडा के ब्रांड नेम के साथ इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 5 होंडा CBR। होंडा की एक और स्पोर्ट बाइक CBR लंबे समय से भारतीय सड़कों पर चल रही है। अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से इसकी स्टडी और स्टेबल सेल्स देखी जा सकती है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 250 सीसी का डिस्प्लेसमेंट और अलॉय व्हील के साथ ये परफॉर्मेंस में बिल्कुल बेहतरीन है। ये होंडा की प्रीमियम स्पोर्ट बाइक में से एक है। पहले आने वाले 160 सीसी के मॉडल को कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है और इसलिए अब सड़कों पर 250 सीसी के मॉडल भी कम ही दिखाई पड़ते हैं। इसकी कीमत 1,60,000 से शुरू होती है जो ऑन रोड बढ़ती जाती है। नंबर 4 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड जो कुछ समय के लिए मार्केट से बाहर सी हो गई थी, उसने इस बाइक से अपनी वापसी की और इस शानदार बाइक के लिए प्री बुकिंग और वेटिंग लाइन लग गई। 350 सीसी का इसका इंजन इसके पावर फोर्स को साफ बताता है। हालांकि ये बाइक एवरेज में थोड़ी पीछे है, लेकिन लुक और शौक के आगे एवरेज की परवाह कौन करता है। कंपनी द्वारा इसका माइलेज 37 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जाता है। इसकी कीमत 1,33,000 से शुरू होती है जो इंश्योरेंस और टैक्स के बाद बढ़ जाती है। नंबर 3 KTM RC 200। इंडिया की बेस्ट स्पोर्ट बाइक में से एक KTM RC 200 की अपनी एक अलग जगह है।
ये केवल स्पोर्ट और रफ्तार पसंद लोगों के लिए ही बनी है। 200 सीसी का इसका इंजन पावर और पिकअप को सपोर्ट करता है और इसका लुक भारतीय सड़कों पर इसकी पहचान है। सड़क पर कोई भी इस बाइक को बिना देखे निकल नहीं सकता। KTM RC 200 का एवरेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर का है, जो इसकी तूफानी स्पीड के हिसाब से ठीक है। इसकी कीमत 1,70,000 से शुरू होती है और ब्रांड वैल्यू के आधार पर इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सेफ्टी, स्टंट और क्वालिटी में इस बाइक का कोई जोड़ नहीं। इसे भारत के बाहर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। नंबर 2, रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350। रॉयल इनफील्ड की एक और पॉपुलर बाइक जो लंबे समय से बाइक के शौकीनों की पसंद रही है। थंडरबर्ड अपनी कंफर्टेबल सीटिंग और पावर के लिए फेमस है। 350 सीसी का इंजन, ट्यूबलेस टायर, टेलीस्कोप सस्पेंशन इसे परफॉर्मेंस के लिहाज से सबसे आकर्षक बाइक बनाती हैं। इसकी कंफर्टेबल सीटिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से इस बाइक ने अपने लिए एक अलग ही सेगमेंट बना लिया है। जो भी व्यक्ति बुलेट या थंडरबर्ड बाइक खरीदने की सोचता है, वह फिर प्राइस और स्पेसिफिकेशन को कम ही देखता है। इसकी कीमत 1,70,000 तक होती है। इस मॉडल में और कोई वेरिएंट नहीं है। नंबर 1, KTM ड्यूक 390। इंडिया की सबसे कॉस्टली बाइक में से एक KTM 390 भारतीय सड़कों पर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इसकी डिमांड भारत के मेट्रो शहरों में ज़्यादा होती है, जहां इसके खरीदार भी ज़्यादा होते हैं। 372 सीसी का इसका इंजन ये साफ बताता है कि ये एक फास्ट स्पोर्ट बाइक है। इसकी स्लीक डिज़ाइन और कंफर्टेबल सीटिंग तेज़ रफ्तार में भी लग्जरी का एहसास कराते हैं। इस गाड़ी की EMI 7,000 रुपये से शुरू होती है, इसलिए कई लोग इसे आसान किस्तों में भी ले लेते हैं। ये बाइक 100 की रफ्तार तक केवल 5 सेकंड में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ऐसी कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद आई या आपके पास इनमें से कौन सी बाइक है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमेशा जानने को मिलती रहेंगी।